हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, यहाँ पे हमें एक कंपाउंड दिया गया है एंड इसको रिएक्ट कराया गया है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जो मीडियम लिया गया है इट इज एच प्लस इन एच टू ओ एंड 100 डिग्री सेल्सियस में इसको हीट कराया गया है एंड यहाँ पे एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो हमें इन चारों ऑप्शन में से सही प्रोडक्ट को यहाँ पे मैंशन करना है। सो यहाँ पे अगर हम इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो इस कंपाउंड में हमें कोई अल्फा हाइड्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। सो हेयर देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन इन द कंपाउंड एंड हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं बेस के साथ। दैट इज ओएच मीडियम है यहाँ पे। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे फॉर्म होते हैं, इस रिएक्शन को कहा जाता है कैनिजारो रिएक्शन। सो The key concept for this question is Cannizzaro reaction. So, इस reaction में basically क्या होता है, हमने जब ऐसे compound को react कराया जिसमें alpha hydrogen नहीं है with base, तो यहाँ पे जो compound या product form होते हैं ये either ऑक्सीडाइज्ड हो सकते हैं या फिर रिड्यूस्ड हो सकते हैं। यूजुअली दोनों ही हमें पॉसिबिलिटीज देखने को मिलते हैं। अगर ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो यहाँ पे एसिड बन जाएगा एंड अगर रिड्यूस्ड हो जाए तो यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सो हम अगर इस रिएक्शन को नोट डाउन करें तो यहाँ पे जैसे कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पे बेंजीन रिंग है एंड ऊपर में सी एच ओ ग्रुप अटैच्ड है, नीचे भी ये सी एच ओ ग्रुप ही यहाँ पे अटैच्ड है एंड यहाँ पे बीच में दो बेंजीन रिंग ऐसे एक दूसरे से अटैच्ड है। अगेन यहाँ पे एक सी एच ओ ग्रुप अटैच है एंड यहाँ पे भी एक सी एच ओ ग्रुप अटैच्ड है। तो इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ, बेस मीडियम के साथ, तो हम अकॉर्डिंग टू कैनिजारो रिएक्शन यहाँ पे इस बेंजीन रिंग में एक सी एच ओ ग्रुप या इधर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे एंड दूसरा सी एच ओ ग्रुप रिड्यूस हो जाएंगे। सो सपोज दिस सी एच ओ ग्रुप गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, दिस सी एच ओ ग्रुप गेट्स रिड्यूस्ड। उसी प्रकार जो नेक्स्ट बेंजीन रिंग है, अटैच्ड बेंजीन रिंग, यहाँ पे भी ऐसा होता है कि एक सी एच ओ ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड दूसरा सी एच ओ ग्रुप रिड्यूस होगा। अब कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा रिड्यूस होगा, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं होता। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये दो बेंजीन रिंग एक सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो देर इज अ हाई चांस कि इसमें रोटेशन मूवमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। सो रोटेशन मूवमेंट के लिए क्या होगा, दिस सी एच ओ ग्रुप विल गेट रिड्यूस्ड एंड दिस सी एच ओ ग्रुप विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। सो नाउ जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा ये लगभग ऐसा होगा। यहाँ पे ये सी ओ ओ माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पे सी एच टू ओ एच होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे ये रिड्यूस हुआ है, सो यहाँ पे सी एच टू ओ एच का फॉर्मेशन होगा एंड यहाँ पे सी ओ ओ माइनस का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओ एच ग्रुप एंड यहाँ से एक और ओ माइनस ग्रुप, ये एज ए एच टू ओ यहाँ से रिलीज हो जाएंगे एंड ठीक यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ से भी एक एच टू ओ ग्रुप रिलीज हो जाएंगे। सो ये जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ है, यहाँ से एच टू ओ रिलीज हुआ है, क्यों रिलीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हुआ है बिटवीन
एसिड ग्रुप रिएक्शन बिटवीन एसिड ग्रुप एंड एल्कोहल ग्रुप. सो इस रिएक्शन को कहा जाता है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन. सो यहाँ पे ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है एंड ईस्टर के फॉर्मेशन से हमेशा H2O रिलीज होता है. सो जो फाइनल स्ट्रक्चर सामने बन के आएगा इट इज लाइक दिस. यहाँ पे बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे से अटैच्ड है एंड यहाँ पे एसिड एंड अल्कोहल के बीच अभी बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज एस्टर बॉन्ड. तो यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक O प्रेजेंट होगा एंड ये ऐसे इस बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा. ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड यहाँ पे एक कार्बन होगा एंड इसके साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा. सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट जो हमें इस रिएक्शन से देखने को मिला है. तो अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन सी में हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पे दिया गया है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.